नमस्कार दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि पिछली सुबह वाली वीडियो में और टेलीग्राम पे और जो मैंने आफ्टरनून में अपडेट दिया था उसमें मार्केट में बाय साइड को ही रहने को अपडेट दिया था और बाय ऑन डिप्स ही रहने के लिए अपडेट दिया था, ठीक है। पर स्क्रीन पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो दो बार ऐसे हुआ है कि मार्केट एकदम से 50, 60, 70 पॉइंट एकदम से गिर जाता है ऊपर से, जैसे किसी ने माल छोड़ा हो, ठीक है। तो अगर देखो, अगर ये आज 17, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू है, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। अगर ये 17,265 इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है तो ही मैं कल के लिए और परसों के लिए पॉजिटिव हूं, उस केस में ही कल के लिए और परसों के लिए पॉजिटिव हूं। बट अगर ये 17,250 के नीचे ही रहता है तो फिर भैया मार्केट में फिर कल और परसों मुझे नहीं लगता फिर तेजी होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता अगर ये 17,200 के नीचे क्लोज करता है तब भी मैं तो निकल गया हूँ, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ, बाय साइड बिल्कुल भी ना रहिएगा अगर ये इसी तरीके से नीचे की तरफ आके क्लोज देता है। सीमेंट सेक्टर को आप ठोक के जा सकते हैं, एसटीबीटी, सीमेंट सेक्टर, ठीक है, वो मेरे को एसटीबीटी के लिए अच्छा लग रहा है। और बैंक निफ्टी भी 37,000 के ऊपर वो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ आ गया, वहां से वहां मिले हमको 150, 100, 150 पॉइंट के करीब। बट क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे है निफ्टी। अगर आपका कोई बाई साइड का ट्रेड है वो तभी लेके जाइएगा जब 17,200 क्या कहते हैं 70 के ऊपर क्लोज करे, जब 17,270 के ऊपर क्लोज करे, 265, 270 ये इसके ऊपर क्लोज करे तभी लेके जाइएगा, ठीक है। अन्यथा बाई साइड नहीं रहना। तभी मेरे को जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है वो तेजी का बनता हुआ दिख रहा है, और फिलहाल यही है। कल के लिए कुछ कैरी ना करे अगर ये नीचे की तरफ क्लोज करता है। हाँ, यहाँ से टूटते टूटते 160 के आसपास जाके क्लोज करता है तब आप जरूर एक पुट कैरी कर सकते हैं। अगर 170 के नीचे की क्लोजिंग आती है तब एक पुट कैरी की जा सकती है, बट मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप सेफ ले रहे हैं तो बिल्कुल ना कैरी कीजिए। अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है, सीमेंट सेक्टर को एसटीबीटी करके चले जाना आप, एसीसी को कर सकते हैं, अंबुजा सीमेंट को कर सकते हैं, तो वो ट्रेड में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर निफ्टी फ्लैट भी खुला तो वहां आपको पैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान से करिएगा ट्रेडिंग। अब मार्केट ने कोई दिशा नहीं दी है, हालांकि आज बाय ऑन डिप्स रहना था जैसे मैंने आपको बताया वैसे रहा, ठीक है, वैसे हुआ भी। अगर आप नीचे मार्केट में बाइक में बैठे और पैसा नहीं बन पा रहा है दोस्तों तो कुछ गड़बड़ है। मैं क्लियर कट बिल्कुल व्यू दे रहा हूँ, 17,500 की पुट आपको बाय करने को बोल रहा हूँ, नीचे से 17,100 से आपको बाय में बिठवा रहा हूँ। आज पूरे दिन क्लियर आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि बाय में ही रहिए, बाय में ही रहिए, बाय में ही रहिए। 130 के बाद तेजी आ सकती है, वो भी आपको क्लियर बता रहा हूँ, अभी भी आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। तेजी में नहीं रहना है अगर ये 17,265 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, ठीक है। वो नीचे की तरफ आप एसटीबीटी करके जा सकते हैं, अगर ये यहीं पे भी क्लोज कर दे तो भी आप सीमेंट सेक्टर में एसटीबीटी करके चले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।